क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव शीट टेन का बिल्कुल सीधा है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अगला भी रिपीट हो गया, सेम आंसर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमने किया मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स फोर। आज हमने क्वेश्चन किया, सीधा आंसर। बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी, कितने लोग बोलते हैं जीरो, फ्लो में जीरो बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। मैं आपको, मैं दूसरा बैच लेके आया हूँ ना, तो मैंने उनको टाइम नहीं दिया था, फटाफट इसका आंसर। तो मैंने एक आंसर क्या, वो कहते जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन जीरो, भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन जीरो पता है कब होगी, आप अर्थ को जब हटा देंगे, जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो ग्रेविटी तो है ना, अर्थ तो खींच रही है आपको, ग्रेविटी तो खींच रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो हमेशा अपना काम करेगी ही करेगी, तो आंसर जी है और वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, क्लियर है। नेक्स्ट है, स्टोन को हमने फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ यू मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट फॉल टू ग्राउंड इट्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या 45 डिग्री। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है कि u स्पीड है और ये u स्पीड है और हाइट इसकी कितनी है h है, टाइम कितने समय में ये नीचे आएगा ये निकालना है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो, तो y एक्सिस में h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी 2h बाय g का अंडर रूट, आंसर आ गया। नेक्स्ट है, बॉल को ऊपर फेंका बाय एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और उसकी रेंज क्या आई 90 मीटर, अगर बॉल को 30 डिग्री पे फेंके तो रेंज क्या आएगी 90 मीटर। मैंने एक नोट लिखवाया था, रेंज रिमेन सेम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा या 90 माइनस थीटा, 60 या 90 माइनस 60 इज 30, तो रेंज सेम आएगी, आंसर 90 मीटर। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो सिंपल है 2u sin थीटा बाय g, नाइन्थ कितने लोगों का नाइन्थ हो गया, ए नाइन्थ हो गया, कैसे किया, क्या क्या इक्वल पुट किया, देखो क्वेश्चन है कि नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या गिवन है, नाइन्थ क्वेश्चन में एक सेकेंड, शीट नंबर 10 देखो, तो सपोज एक फुटबॉल को आपने किक किया, ठीक है फुटबॉल को आपने किक किया और ये फुटबॉल है, थीटा एंगल पे किक किया, वी नॉट की स्पीड के साथ किक किया, थीटा एंगल पे किया, दो कंपोनेंट है फुटबॉल के वेलोसिटी के और ये रेंज है, पहला डायग्राम क्लियर। जैसे किक किया एक प्लेयर भागता है, ये मैन भागता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बाय टू और भाग के इसे कैच करने की कोशिश करता है, पहला आंसर क्या ये कैच कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो एंगल क्या रखें जिससे ये कैच कर पाए, कैच नहीं कर पाएगा ये तो मुझे लगता नहीं आंसर होगा क्योंकि कैच तो करवा ही देंगे अगर ये एंगल सेम हो गया, अगर नहीं एंगल आया फिर तो यार कैच नहीं कर पाएगा। तो जब इमेजिन करो कि जैसे फुटबॉल चली प्लेयर भागा तो दोनों इकट्ठे पहुंचेंगे तभी कैच करेगा, क्या चीज इन दोनों की सेम रहेगी, आर रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो हाइट का कम, फुटबॉल प्लेयर कौन सा वहां उड़ के जा रहे हैं तो वाई एक्सिस तो देखना ही नहीं, ग्राउंड की रेंज रिमेन्स सेम, तो अगर बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर कवर किया तो प्लेयर ने भी आर कवर किया, एक। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, फुटबॉल जितने समय में यहां से
यहां आएगी, उतने समय में ये प्लेयर यहां से यहां आएगा, टाइम भी सेम। तीसरा, मैंने भी ऐसे सॉल्व किया पर ये करने की जरूरत लंबा पड़ा मुझे करने में। तीसरा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फुटबॉल की वी नॉट कॉस थीटा यहां से यहां, मैन की भी सेम। भाई अगर वेलोसिटी सेम होगी तभी तो पहुंचेंगे टाइम पे, अगर वेलोसिटी एक ही ज्यादा होगी एक लेट हो गया पहुंचेगा कैसे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू भी दोनों की एग्जैक्टली सेम, तो इसकी कितनी वी नॉट बाई टू, इसकी कितनी वी नॉट कॉस थीटा, तो वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू कैंसल, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो थीटा कितना आ गया 60 आंसर। हालांकि मैंने इसको लंबे तरीके से किया हुआ है, जो अभी आप बोल रहे थे ऐसे करो रेंज करो ये करो, पर मैं बाद में सोचा मैं कर क्यों रहा हूं, ऐसे आंसर ही आ गया। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटी फ्रॉम सेम हाइट, विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। सेम, क्यों सेम? देखो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने से ये तो हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल एक पास गिरा एक दूर गिरा, पर y एक्सिस का तो डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, टावर की हाइट तो सेम ही है, तो y एक्सिस की जब इक्वेशन लगती है h इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें वेलोसिटी का तो कोई काम है ही नहीं, तो टाइम टेकन विल बी सेम, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। होमवर्क क्या आपका? होमवर्क में आपका ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 होमवर्क है, इसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका कॉन्सेप्ट शायद हमने नहीं किया होगा या थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं, बट आप ट्राई करें, सिर्फ ट्राई करें, आपका काम ट्राई करने का, आप ट्राई करें। ठीक है, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, जो हो गया तो भी कोई बात नहीं। तो शीट नंबर 10 और 11 आपका होमवर्क है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में शीट नंबर 22 हमने कर ली थी, शीट नंबर 23, शीट नंबर 23 आपको वैसे करने के लिए दी थी मैंने, अब फिर से ट्राई करना क्योंकि आज के लेक्चर के बाद ये और थोड़ी बेटर हो जाएगी और आप जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपकी शीट नंबर क्या है 23। नेक्स्ट है, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट शीट नंबर 24 देखो ऑप्शनल है, इसका लेवल नॉर्मल से ऊपर है, मैं बता दूं कोई करना चाहे जरूर करे। नहीं, शीट नंबर 24 तो कर ली, सॉरी आज हमने 24 के बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क है, सॉरी 24 के बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये तो करनी है आपने। शीट नंबर 25 जो आखिरी शीट है इसकी, शीट नंबर 25 का लेवल जो है वो नॉर्मल शीट से ऊपर दिखेगा आपको जब आप ट्राई करेंगे, और हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे हो जाए, जैसे मैंने आज आपको व्हाट्सएप पे डाला था बेस्ट बेस्ट और बेस्ट, आपने तो बेस्ट किया पर क्वेश्चन तो तीन ही हुए, आप तो अपना बेस्ट दें, तो हो सकता है इसमें आपके क्वेश्चन 50% ना भी हो सकता है सारे हो जाए, मैं कह नहीं सकता, आपके लेवल के ऊपर है। तो ये आपका होमवर्क है प्रोजेक्टाइल्स का। अब दूसरी चीज, इन सभी शीट के सॉल्यूशन मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, खुद सॉल्व करके डाल दूंगा, तो कोई अटकता है तो एटलीस्ट वो देख सकता है। इन शीट के जो डिस्कशंस हैं, जो वीडियो डिस्कशंस हैं, वो लास्ट ईयर की लॉगिन आईडी से आप एक्सेस कर सकते हैं, तो जिनके पास आईडी नहीं है वो बनवा लें लास्ट ईयर का, जिनके पास है तो आप इन ब्रेक में, एक हफ्ते की ब्रेक में आप वो डिस्कशन भी सुन सकते हैं ताकि आप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव बुक को कर पाएं, क्योंकि जितनी जल्दी ये देखो अगर ये शीट नहीं करेंगे आप ऑब्जेक्टिव पे जंप नहीं कर पाएंगे बुक पे, आप इसको 2-4 दिन में खत्म कर देंगे, चाहे लास्ट ईयर के आईडी से करें, खुद ट्राई करें, पहले खुद ट्राई करें फिर गूगल ड्राइव से सॉल्यूशन देखें कि हाँ जो नहीं हुए कैसे हुए, अगर फिर भी नहीं आया फिर उस वीडियो के ऊपर जाएं कि कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसेस है। प्लस इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव बुक्स को प्लीज कंटिन्यू शुरू करें अपनी प्रोजेक्टाइल का, लेवल 1 तो एटलीस्ट करें, लेवल 2 थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस अभी मत करें, लेवल 1 करें अभी, और अगर टाइम बचेगा जरूर बचेगा, इतना ज़्यादा काम नहीं सुनने में ज़्यादा है, फोर्स का वीडियो लास्ट ईयर के आईडी से सुन लें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अभी स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, आपसे हैंडल नहीं होगा, बहुत प्रेशर हो जाएगा अगले 2 महीने में, और स्कूल के कोर्स बहुत फास्ट चलते हैं, वो जितनी देर में तो हम वर्क पार में अब पहुंचेंगे ना, वो तो 1-2 महीने में ऐसे उड़ाते हुए वर्क पार पे ले जाएंगे आपको, तो आप फटाफट टेस्ट लेने स्टार्ट कर देंगे वो, क्योंकि सारी गेम टाइम मैनेजमेंट की है,
सारे दिन ऐसे नहीं रहेंगे, रिलैक्स, आप आते हो ट्यूशन लगा के घर चले जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, अब स्कूल बहुत बड़ा फैक्टर जो ऐड हो जाएगा आपकी स्पीड को ब्रेक करेगा, क्योंकि वो भी अपना काम देंगे, वो पेपर लेंगे, वहाँ भी तैयारी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो थोड़ा टफ हो जाता है। बेटर है फोर्स मैकेनिक्स का सबसे बेसिक जो पार्ट है वो स्टार्टिंग फोर्स से है, सुन लेंगे बड़ी अच्छी बात, ऑप्शनल है प्लीज, नहीं सुनेंगे तो भी कोई बात नहीं, सुन लेंगे अगले 2 महीने आरामदायक हो जाएंगे। और थोड़ा अगर सुन लेंगे तो एक और फायदा होगा, उससे आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे जल्दी जंप कर जाएंगे। जितनी देर में आम इंसान फोर्स सीखेगा, आप मेरी शीट्स करके ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर चुके होंगे, आपका एक्सपीरियंस उस स्टूडेंट से ज्यादा होगा, और आप जो पीछे स्टूडेंट है वो आपको कभी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा ब्रेक तो कभी मिलेगा नहीं कभी, तो वो पीछे पीछे ही लटकता रहेगा, आप आगे आगे चलते रहेंगे। ऐसा मैंने हर साल देखता हूँ, जब आपने एडमिशन लिया था मैंने कहा था आज सब बराबर हैं कैलकुलस में, बोला था ना, लेकिन 3 महीने के बाद सब बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि हर की स्पीड डिफरेंट है, हर का लेवल डिफरेंट है, कोई बहुत डीप में स्टडी कर रहा है, कोई ऊपर ऊपर से कर रहा है, कोई बस शीट्स करता है और कोई शीट भी नहीं करता, आपके ऊपर है। ठीक, मेरी रिकमेंडेशन है कोर्स जैसे प्रोजेक्टाइल कर लो फटाफट खत्म, और ऑब्जेक्टिव बुक शुरू कर दो, और जैसे ही वो खत्म हो फिर आप फोर्स पे जंप कर जाओ, फोर्स फटाफट कर लो, क्लास में उतर रहेगा, क्लास में जो होगा रिवीजन हो जाएगी, एडवांटेज है रिवीजन होगी, रिवीजन में और पक्का हो जाएगा, रिवीजन में तो आपको और डबल बेनिफिट है ना, और फिर से हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार हो गया। वो करने के बाद मेरे से शीट्स ले जाना चाहिए, यहाँ पर ये हमारा इंस्टीट्यूट तो पूरा बंद नहीं रहेगा, शीट्स और टेस्ट हम कंटिन्यू देते रहेंगे यहाँ पे, जिसका जैसे जैसे काम होता रहेगा वो व्हाट्सएप पे मंगा ले या यहाँ से प्रिंट आउट ले जाए आगे का काम। वो खत्म हो गया तो फोर्स का चैप्टर कर ले, अगर फोर्स भी खत्म हो गई मेरे को बताएं, मैं आपको मेंस के और नीट के पेपर दूंगा करंट ईयर के, 100-100 क्वेश्चन उसके अंदर, आप वो भी ले जाएं। प्लस टू में ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो ऐसा करते हैं और वो सब कुछ कर चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और 2 महीने का प्रोसेस कर चुके आगे, और इस ब्रेक के अंदर वो 3रा महीना भी ब्रेक कर देंगे, और उनको बीट करना आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, वो इतनी आगे पहुंच चुके हैं कि वो चाहेगा भी तो कैसे बीट करेगा, मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा जल्दी करें, मैं कह रहा हूँ टाइम को वेस्ट ना करें, अगर आप प्रोजेक्टाइल में कंफर्टेबल हैं अच्छे से प्रोजेक्टाइल करें, आगे ना बढ़ें कोई बात नहीं, प्रोजेक्टाइल करें, उसके डाउट्स हैं तो डाउट्स ले लें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पर, मैं भी कोई 8-10 दिन तो बाहर रहने वाला हूँ नहीं, तो हो सकता है किसी दिन मैं आपको मैसेज डाल दूँ कि चलो मैं अवेलेबल हूँ, जिसके डाउट्स हैं वो डाउट लेने आ जाए, उस दिन आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, राइट, क्लियर है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको मैनेज करें, बाकी छुट्टियाँ इंजॉय करें, छुट्टियाँ होती है इसलिए एंजॉय करने के लिए एंजॉय करें। पेपर मैं दे रहा हूँ, टेस्ट